देखिए मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप जो कहना चाह रहे हैं। नहीं समझती आप, अगर समझती होती तो ऐसी शर्तें ना लगाती। आपकी इन्हीं शर्तों की वजह से आज मेरे अब्बा जी मेरी बहन घर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मेरा घर टूटा ना तो मैं किसी का घर सलामत नहीं रहने दूंगा। ज़ैन तमीज से। ये सब तुम्हें कुदरत दिखा रही है। शुक्र है खुदा का कि तुम्हारी असलियत हमारे सामने किसी नए धोखे से पहले ही खुल गई। अफीरा आप अभी जाओ ज़ैन के घर। क्या? हाँ आप ही हैं जो इन दोनों घरों को बचा सकती हैं। मैं नहीं जाऊंगी, जिसका घर है वो बचाए। अफीरा आपको जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी। देख लिया, ये यही चाहती है कि हमारा घर टूट जाए। हमजा जी, अभी अफीरा अभी तक वापस नहीं आई। इरफान से बाकी चीजें लेने गई है। वाकई? नहीं अपी, वो ऑफिस से नहीं आई अब तक। बड़ी लालची है, कुछ ना कुछ लेके आएगी। इस वक्त तक तो वापस आ जाती है ना वो? हाँ आ तो जाती है वो। ज़ैन की मिन्नत करने गई है कि तुझे वो वापस ले जाए। अम्मा आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? तुम जो सुनना चाहती हो मैं वो कह देती हूँ, बता दो। अम्मी आपको कुछ खाने के लिए ला कर दूं? तेरा ज़ैन आया था तुझे लेने, मैंने उसे घर से निकाल दिया। क्या हमजा, तुम्हें कुछ पता है इस बात का? अम्मा वाकई? झूठा है वो, जो मोहब्बत 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 कहे ना वो झूठा होता है। खुदा के लिए अम्मा रहम खा ले मुझ पर। अपने ऊपर रहम करो, छोड़ दो उसे। सही कर रही है अफीरा जो तुम्हें जाने नहीं दे रही वहां। अम्मा भी ना कभी कभी रुकती ही नहीं। बिल्कुल सही कर रही है, बहुत अच्छा किया उसने। हमजा यहाँ कहीं मेरा फोन पड़ा होगा, मुझे ज़ैन का नंबर डायल करके दो। मिला? मिल गया। ये रहा ज़ैन, ये ले अपी। अपने पास बैठी अपनी बहन अफीरा को बता दो कि अब्बा जी और बड़ी बहन छोड़ के जा रहे हैं। यही चाहती थी ना वो? हाँ ठीक है, मेरा घर अब खाली हो चुका है, अब तुम उसमें रहने के लिए आ सकती हो। लेकिन एक बात याद रखो, अब्बा जी और मरीन तो उस घर में नहीं होंगे, लेकिन शायद मैं भी ना। ज़ैन, हेलो हेलो, क्या हुआ अपी? नंबर डायल करके दो दोबारा जल्दी। नंबर बन जा रहा है। अच्छा तुम अफीरा को कॉल करो जल्दी। ये ले। कभी फोन नहीं उठाएगी। अच्छा ये लो। हमजा मुझे बाहर लेकर चलो। कहाँ? बस मैं तुमसे कह रही हूँ ना, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, चलो। पर जाना कहाँ है? इतने सवाल मत करो, मैं मजबूर हो गई हूँ तो सबको सवाल याद आ गए। चलो। मैं तो इसलिए कह रहा था फिर आप आएंगी तो नाराज होंगी। अभी ध्यान से, हमेशा के लिए जा रहे हो? अम्मी मैं आप ही को बाहर लेकर जा रहा हूँ। वापस मत आना।
अपी ब्राउन गेट आ गया। ब्राउन गेट देखो सामने तुम्हें कहीं येलो ग्रिल या सीढ़ियां नजर आ रही हैं? जी अपी बस वहीं जाना है। चलो अब्बा जी दरवाजा नहीं खोलेगा। क्यों बेटा? बाहर मनाल है। नहीं अब्बा जी नहीं। ज़ैन 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 अभी चले। क्यों गई थी तुम वहां पर? और तुम मना नहीं किया था मैंने, तुम क्यों लेके चल पड़े इसे? मुझे क्यों डांट रही है? अगर मैं ना जाता तो खुद चली जाती, वो गुम हो जाती। मनाल तुम क्यों गई थी वहां? देख लिया तुमने, नहीं रखना चाहते वो तुम्हें, करके देख लिया अपनी मर्जी। क्यों गई थी वहां? वाह, उन लोगों का घर बचाने गई है वो जिन्होंने हमारा घर बर्बाद कर दिया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। कौन हिसाब देगा इसका? बोलो मनाल, कौन देगा उसका हिसाब? तेरे खुदा, मैं ये सब कुछ किस लिए कर रही हूं? सारी दुनिया से किसके लिए लड़ रही हूं मैं? अपने लिए? और तुम जाके उनके पैरों में पड़ गई। देख लिया तुमने, देख लिया उनकी नजरों में कितनी इज्जत है तुम्हारी, देख लिया। इज्जत बाजार में मिलती है? बड़ी महंगी होती है। बाजारों वाली इज्जत ही करनी आती है ज़ैन को और उसके घर वालों को। बाजार वाली इज्जत खाने जैसी होती है, अच्छी नहीं होती, पेट खराब हो जाता है। नहीं चाहिए मुझे कोई भी इज्जत, कोई घर, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मनाल छोड़ दो मुझे, मेरी हिफाजत करने की जरूरत नहीं है, अंधेरों की हिफाजत कोई नहीं करता। मनाल बस कर दो, बस करो। धूप टूटी साए बने, थम गए पल पांव चले, मंजिल पे सफर मिल गए, दिल मर गया, दिल मर गया। अब्बा जी क्या हुआ आपको? चल अब्बा जी।
डॉक्टर साहब अब्बा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? कोशिश और दुआ के बाद सब अल्लाह के हाथ में है। किस नहीद का अटैक है? देखिए आप उनके सराहने खड़ी बोल रही हैं, ये आप उनके लिए कोई अच्छा नहीं कर रही। तो और क्या करूं डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? आप बाहर जाएं और अल्लाह से दुआ करें, इन्हें सुकून और खामोशी चाहिए। प्लीज सब दुआएं भूल गए। सब नर्स आप इन्हें लेके जाएं। आप प्लीज बैठिए। एक मिनट दुख और खौफ दोनों रोने से बढ़ जाते हैं। बढ़ने दें, अब तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई। कम से कम कोई तो मजबूत हो, हम ना सही, दुखी सही। खुदा ना करे, अच्छा सोचो, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अब्बा जी क्या हो? यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है जैन। अब्बा जी जब घर से निकले थे तो उन्होंने सारे रिश्ते तुमसे खत्म कर दिए थे, कब्र बना दी उन्होंने अपने अंदर तुम्हारी। ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही वक्त इन बातों का है। तुमने और तुम्हारी बीवी ने यहाँ तक पहुँचाया अब्बा जी को। मरियम बेहतर है कि तुम दोनों इस वक्त अपने अब्बा जी के लिए दुआ करो। आप हमारे मसलों से दूर रहें, आपके मशवरे बने, किस्मत हमारी खैर से। होश में नहीं हो? होश में तो मैं आप भाई हूँ जैन। तुम्हारे शक ने तुम्हें काबिले रहम बना दिया। जाके किसी और पे रहम कीजिए आप। आपके इर्द गिर्द वैसे भी ऐसी बहुत सारी माजूर औरतें फैल रही हैं जिनको आपके रहम की जरूरत होगी, मुझे नहीं है। मरियम तुम पागल हो गई, क्या हो गया तुम्हें? जैन मरियम को अकेला छोड़ दो, तू आ ना मेरे साथ, तू आ। आंटी आई एम रियली सॉरी, मैं मरियम की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। अरे नहीं नहीं सैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सिर्फ सिर्फ अपने अब्बा जी का सोचो, भूल जाओ सब कुछ। अच्छा आई एम सो सॉरी, मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग पे जाना है, बट किसी किस्म की ज़रूरत पड़े तो मैं फौरन आ जाऊँगी। आई विल बी जस्ट 5 मिनट्स अवे। थैंक यू। कि अब्बा मरे नहीं? मरना बुरी बात होती है। मरना तो सभी को है, लेकिन जब मैं मरूंगी ना तो मिठाई बांटना, बालूशाही, लड्डू, लेकिन लड्डू मुझे अच्छे नहीं लगते। किसी के मरने पे दुश्मन खुश होते हैं। आओ, हमारे दुश्मन इतने अच्छे नहीं, वो तो हमें मौत से पहले ही मार चुके हैं। अब्बा जी जब मरेंगे ना उनकी आंखें खुली होंगी। अफीरा इनको मना करो। मना, जिंदगी की यही हकीकत है। चलो मुझे वहां जाना है। क्यों? ताकि तुम खुद को उनकी बीमारी और मौत की वजह बना लो? अच्छा तो मैं ही हूं। अम्मा क्या करूं मैं इस लड़की का? तुम काम अधूरा छोड़ आए, उसे मार के आना था ना। अम्मा प्लीज बना प्लीज प्लीज ऐसा मत सोचो। तुम्हारे सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पर एक मरियम बैठी है ना, वो ऐसा ही समझती है। और समझने दो उसे,
लेकिन तुम खुद को मुजरिम ना कहो और ना समझो। अफीरा, जहन वहां अकेला होगा। अकेला होगा तो मिलेगा ना तुम्हें। अफीरा देखो, मैं खामोश रहूंगी, प्लीज मुझे वहां ले चलो। मनाल प्लीज, इतनी रात को तुम वहां जाकर क्या करोगी? अब उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम ऐसी खामखा जैन का काम बढ़ा दोगी। रहने दो उसको अपने बाप के पास। थोड़े से दिन तो रह गए, उसे रहने दो अपने अब्बा जी के पास, फिर तो वो मर ही जाएगा। कितना नाराज हो गया मुझसे। बोलिए अब्बा जी, मुझे माफ कर दे। मैं आपके सारे गिले दूर कर दूंगा, सारे गिले दूर कर दूंगा आपके, प्लीज मुझे माफ कर दें। तो अब क्या करना? इंतजार और क्या। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मनाल की वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो क्यों? इसलिए कि जैन अब अपने वालिद की मौत की जिम्मेदारी भी मनाल पे डाल देगी और उससे ये सब मरियम करवाएगी। हो सकता है वो बच भी जाए। क्या कह सकते? वो कॉल डॉक्टर्स, इट्स नॉट पॉसिबल। आपका कहने का मतलब ये है कि अब्बा जी की अगली पेशी पढ़ने वाली है? हाँ, और फिर मरियम जैन के घर वापस आ जाएगी, क्योंकि उसके पास तो और कोई रहने का ठिकाना ही नहीं है। और फिर जहाँ मरियम होगी वहां मनाल नहीं रह सकती। इसका मतलब है कि अगर घर बचाना है तो फिर अब्बा जी का बचना बहुत जरूरी है, वरना गाड़ी निकल जाएगी। ओके, जल्दी से अंदर आइए, पल्स ड्रॉप हो रही है पेशेंट की, जल्दी। मरियम, मरियम क्या हुआ? मरियम, फिरा मैं खुद चली जाऊंगी, तुम जाओ। क्या मतलब जाओ? मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। देखो, जैन और मरियम को लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें देखेंगे तो खामखा रिएक्ट करेंगे। तो करे रिएक्ट, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी खातिर किया है। जो करना था वो कर लिया ना तुमने, अब प्लीज मुझे करने दो। मैं जैन के पास आई हूँ, जिसके साथ रुखसत कर दिया उसके पास छोड़ने में क्यों डर रही हो तुम?
मैं यही तुम्हारा इंतजार करूँ। एक्सक्यूज मी, अब एक सेकंड, आप प्लीज थोड़ी मदद कर देंगे? उनको आईसीयू तक ले जाएंगे प्लीज? मनाल, ये हाँ वालेकुम, ये मेडिसिन दे दें। ये लीजिए। कितने पैसे हुए? 4000। 4000? ये कार्ड लेने? नहीं, सिर्फ कैश लेते हैं हम। कैश? बॉस, कैश मेरे पास सिर्फ 200 रुपए कम है। मेरे वालिद साहब इधर हार्ट वार्ड में हैं, मैं आपको देता हुआ जाऊंगा। चलें ठीक है, बाद में दे दीजिएगा। जी जी, थैंक यू। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मेरे साथ आइए, कुछ टेस्ट लिख के देता हूँ, वो करवा लीजिए। करें और प्लीज आहिस्ता करें। अब्बा जी, आप अपने गुनहगार को माफ कर दें अब्बा जी। आप ठीक हैं बाजी? ठीक होने जा रहा हूँ। ईसा से जान निकलने वाली है, तो सब ठीक हो जाएगा। बाजी, प्लीज ये मत कर, आपने हम सबको जोड़ा है अब्बा जी। अब्बा जी प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से इस घर को इतने इम्तिहान देखने पड़े। मेरे पास सबको इकट्ठा रखना। तुम ही आखिरी धागा हो जिसके सब को बांध के रखा। नहीं अब्बा जी, मेरी वजह से तो सब कुछ बर्बाद हुआ है। नहीं, तुम्हारी वजह से तो सब जुड़ेगा बेटा। मोहब्बत बनाती है, सो तुमने बनाना है। अब्बा जी, अब बस आप ठीक हो जाएं अब्बा जी, अब सब कुछ आपको करना है, आप ठीक हो जाएं प्लीज। इस घर को तुम्हारी जरूरत है मनाल बेटा, सबको इकट्ठा रखना है, बांध के रखना है सब सबको। तुम यहाँ पे क्या लेने के लिए आई हो? मेरे अब्बा जी की जान लेना चाहती हो? अगर अब्बा जी को कुछ हुआ तो याद रखना। मरियम, तुम्हें गलत फहमी हुई है। खामोश, तुम कातिल हो, हमारे घर की कातिल। अगर अब्बा जी को कुछ हो गया तो याद रखना मनाल, कत्ल का पर्चा करवाऊंगी मैं तुम पर। तुम मुंह शक्ल लेकर यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से। हाँ
मनाल तू मनाल तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिस वजह से तुम यहाँ हो जैन। मनाल लेकिन क्यों? जैन मैं तुम पर बोझ बनने नहीं आई हूँ यहाँ। किसी भी कोने में बिठा दो मैं हिलूंगी भी नहीं वहां से। मनाल ये पॉसिबल नहीं है। तुम क्या मेज कुर्सी हो जो कि किसी कोने में पड़ी रहोगी? तो कोने में ही थी जैन। क्या मेरी वजह से थी? नहीं, ये दूरी मैंने खुद चुनी है जैन। ये बातें ये इल्जाम अगर अब्बा जी की तबीयत को ठीक कर सकती हैं तो जरूर कर। अनार चलो। नहीं अफीरा वो जैन चल। हाँ बेहतर हो रहा है। मैंने स्टाफ को कहा है वो मॉनिटर कर रही है। कोई खबर शबर भी आए या पीछे से याशी करता रहा है? वालेकुम सर। खबर तो ऐसी आला है आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। अच्छा जी। जी सर सुना फिर क्या खबर है? कितने पैसों का किया उसने? सर 200 रुपए की बात कर रहा था। बेटे मुंह तेरा। अब मैं कुछ अरसे के लिए बाहर क्या गया तू सारे काम ही भूल गया? पेटी पर आया तेरा उसका ध्यान रखना चाहिए था तुझे। यार कोई गल नहीं तुझे ना सही पर मुझे तो अपने मुलाजमों का ध्यान है। गड्डी काट। जी सर मैं अभी उसकी आदत के लिए जाऊंगा। ठीक है सर। ये ले। कब से कुछ नहीं खाया। थैंक यू। ऐसे कुछ खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो खुद बीमार पड़ जाएगा और बीमार होगा तो इन सारी सिचुएशंस को कैसे फेस करेगा? मरियम ने भी कुछ नहीं खाया एक ग्लास पानी तक नहीं पिया। मैं आप ही से बात करता हूँ लेकिन कोई तो पहले हिम्मत पकड़े ना यार। ये ले। जब लड़ाई दुनिया से हो तो खुद को तो सजा नहीं देते। अभी बहुत जरूरत है आपकी और आपकी हिम्मत की। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया पानी तक नहीं पिया। ये थोड़ा सा जूस पी लीजिए। आपसे मैं एक मशवरा करना चाह रही थी। किस सिलसिले में? आज ही देखिए जैन तो कभी सेटल नहीं हो सकेगा और आपने सही कहा कि अब्बा जी के बाद उनकी जिंदगी पे उनके घर पर सिर्फ मरियम का ही कब्जा होगा। मनाल अभी भी जिद करती है कि जैन के पास जाना है उसे। आप खुद ही बताइए मैं उसे कैसे जाने दूं? मरियम के चेहरे पर उसके लिए जो नफरत है वो उसे नजर नहीं आ रही है। दुआ करो जैन के अब्बा जी बच जाएं।
वरना पता नहीं इस रिश्ते का क्या होगा। फिर से इरफान मुसीबत में आ गया। इरफान का आना तो अच्छा साबित होगा। वो कैसे? दुश्मन की वजह से इंसान वो वजह कभी नहीं भूलता जिससे वो दुश्मन बना होता। अच्छा है, इरफान की वजह से जैन मनाल को देखता रहेगा। मेरा फोन देखा है, कहाँ है? अब्बा जी के मरने की इत्तला होगी। मर गए अब्बा जी। हेलो जी, रॉन्ग नंबर। मौत के मुंह से बचना बड़ा मुश्किल काम। मौत के मुंह से निवाला कोई नहीं छीन सकता। आंटी उनका क्या खुद नहीं जा सकती? आंखों वाले थोड़ी चल सकते हैं। जनाजे में जा रही हो? हाँ, अपने जनाजे में जा रही हूँ। किसी को मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। जा रही हूँ मैं। रब की मर्जी है बेटा। मुझे नहीं पता, बस अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं। अम्मा जी, शुक्र खुदा का आपको होश आ गए। इसे और यहां से चला जाए। लेकिन अम्मा जी, प्लीज मुझे माफ कर दें। प्लीज, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी। जैन, प्लीज अभी यहां से चले जाओ। तुम देख नहीं रहे बाजी की हालत कैसी है। लेकिन मरियम, प्लीज। मनाल, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ऑफिस के अंदर क्यों नहीं आई? अंदर अफीरा होती आंटी, वो फिर मुझे देखती तो शोर करती है। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारा घर से इस तरह से निकलना कितना रिस्की है? खुदा ना खासा तुम्हें कोई लेके कहीं और चला जाए। फिर जब मंजिल ही बाकी ना रहे तो रास्ते और मुसाफिर को क्या फर्क पड़ता है। मनाल, फजूल बातें मत करो।
आंटी आप प्लीज मुझे अभी हॉस्पिटल लेकर चलेंगी, अगर मैं अकेली वहां गई तो जैन गुस्सा करेगा, और फिर मरियम का तो पता ही है आपको। जाना बहुत जरूरी है। जी बहुत जरूरी है। अच्छा मैं तुम्हें ले चलती हूँ, बस मुझे एक मिनट दो, मैं भी आती हूँ। हेलो। हाँ कादिर बोलो। क्या अच्छा ओके। मनाल तुम्हारे इम्तिहान का वक्त शुरू हो गया। क्यों? जैन के अब्बा जी की डेथ हो गई।